हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है, मैं ठीक हूँ, अब आराम है मुझे। और आज मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया है क्योंकि आज पतिदेव का है बर्थडे, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो मैंने कहा चलो, कह रही थी मम्मी छोटी वोटी कर लो, ऐसी पड़ी हो तुम। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि जब तबीयत ठीक होती है नहीं होती है ना, तो फिर मन नहीं करता किसी काम का, तो ना छोटी बाल कंघी वंघी करने का ना कुछ। तो मैंने कहा चलो, जब बच्चे कह रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा ऐसे ही हल्का सा मेकअप वगैरह कर लिया, और बच्चे जिद कर रहे थे तो फिर मैंने कहा चलो आज डैडी का थोड़ा देखते हैं कैसे मनाएंगे बर्थडे। तो क्योंकि सबके पता ही है कि लॉकडाउन है और तो मार्केट वगैरह सब बंद है, तो इस वजह से मुझे बोला है कि देख लूँगा, अगर केक मिल जाए तो ले आना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, फिर देखते हैं क्या करते हैं। और मैं थक गई हूँ ना थोड़ा, देखो चेहरा भी मेरा पिचका पिचका सा हो रहा है ना, वो ये ना एक हफ्ता हो गया थोड़ा सा, तो उस वजह से भी तबीयत डाउन हो गई थी मेरी। तो वो तो मेरे मुझ पर ना शादी की वीडियो थी, जो कि मैं शादी में गई थी, तो मैंने वहाँ से वो बनाई थी, तो वो मैंने एडिटिंग वगैरह करके रखी हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं उन्हें कर देती हूँ अपलोड, तो मैंने वो आप सबके साथ शेयर करी थी मुझ पर, तो मैंने सारी आपके साथ शेयर करी। और अभी देखेंगे हम क्या करेंगे क्या नहीं, बर्थडे कैसे मनाएंगे कैसे नहीं, वो पता चलेगा आपको। और अभी तो बच्चे बलून लेकर आए, रखे हुए हैं बलून, हैं तो ठीक है, फिर उन्हीं को खुला लेते हैं बैठे बैठे, है ना। चलो लेकर आओ फिर, तो बलून वगैरह खुला लूँगी क्योंकि बच्चे जिद कर रहे हैं। और वैसे भी 3-4 दिन बाद मेरी एनिवर्सरी है शादी की, तो मैंने सोचा चलो मैं जब अलग कर लेते हैं, पर अभी तो हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि जब हिम्मत नहीं होती ना तो फिर मन नहीं करता बिल्कुल, मतलब कि बिना मन से वो मज़ा नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चलो, जब बच्चे जिद कर रहे हैं तो अभी हम करते हैं तैयारी। तो गाइस, हम यहाँ कर रहे हैं अपने पति देव का बर्थडे सेलिब्रेशन, और कुछ नहीं था, सिर्फ छोटा सा ऐसे ही बर्थडे बना लिया घर पर ही, बच्चे जिद कर रहे थे इस वजह से। और ये मेरी देवरानी के बच्चे हैं ये, और बस थोड़े से बलून वगैरह घर पर ही रखे थे, वही खिला लिए थे क्योंकि मार्केट वगैरह सब बंद थी। पापा जी हैं, पापा जी खिला रहे हैं इनको, ये पापा जी को खिला रहे हैं। तो मैं फिर वीडियो बना रही थी, थोड़ी सी क्लिप ले ली मैंने यहाँ की भी, मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। वही मम्मी जी हैं, मम्मी जी भी खा रही हैं। मम्मी ने इनका सारा मुंह कर दिया, वही है ना, माँ के लिए तो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए पर वो माँ के लिए हमेशा छोटा ही रहता है। तो इनका सारा मुंह केक में कर दिया था मम्मी जी ने। और ये बच्चे बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये देखिए बच्चों का स्टार्ट केक देखकर, और माँ ही को देखो चाकू में केक लगा हुआ है, उसी को खाने लग रही है। बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं पूरे दिन। तो ये देखिए वो मांग रहे हैं तो दे नहीं रही है माँ ही, तो अब दे दिया उसने चाकू, तो फिर वो कट कर कर खिला रहे हैं सबको, और मुंह पे इनके लगा दिया था मम्मी ने, और ये सभी को खिला रहे हैं अभी। ये इनके भाई हैं छोटे, मतलब कि हमारे देव जी, तो इनको भी खिला रहे हैं। और ये देखो माही को, माही लगी हुई है इधर, वो खिलाने लग रहे हैं तो इधर वो केक में हाथ मतलब उसने मार दिया जब तक। और ये सारा कुछ ना किसी ने नहीं, सबसे ज़्यादा मेहनत कुहू ने की थी। कुहू बोल रही थी कि मैं डैडी के लिए ये करूँगी वो करूँगी, तो जो घर पे था वो ये बलून वगैरह थे तो वो फैला दिए, और केक के बाज़ार से लेकर आए थे, इनको कोई पता नहीं दुकान खुली मिल गई तो ये वहाँ से ले आए। फिर अब विराज को देखो, मैंने कहा कपड़े चेंज कर लो पर नहीं, किसी ने नहीं किए, खेलने में उदम में मस्त रहते हैं बच्चे, क्योंकि स्कूल वगैरह सब इनके बंद हैं तो वही पूरा दिन इनका यही निकल जाता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, नहीं तो वो भी डांट फटकार कर तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही मस्ती इनकी चलती रहती है। तो मेरा टैडी देखो कैसा कर दिया है बच्चों ने,
इतना अच्छा लेकर आई थी मैं, पर बच्चों ने सारा पिचका सा दिया ये सारा कुछ। तो बस आज मेरी छोटी सी क्लिप आपको कैसी लगी प्लीज़ बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।